मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज हम लोग आए हैं शिवनाथ नदी से लगा हुआ दुर्ग का गुरुद्वारा। मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ वाले गुरुद्वारा में आया हूँ। वैसे पहले मैं गुरुद्वारा में जा चुका हूँ, लेकिन यहाँ वाले गुरुद्वारा में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे कि गुरुद्वारे में क्या क्या होता है, कैसे सेवा की जाती है, गुरु के दर्शन करेंगे और देखते हैं। और लास्ट तक बने रहना आप। तो अभी चलते हैं अंदर। तो सबसे पहले आपको सिर ढकना रहता है। अगर आप यह रुमाल नहीं लाते तो आपको बाजू वाली शॉप से मिल जाएगा। तो गाइज अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं दुर्ग के बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा के अंदर बाबा जी के दर्शन करने। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं यहाँ पे आपको पैर धोना है पहले तो, और फिर आपको हाथ धोने के लिए भी यहाँ पे नल लगा दिखेगा, फिर आप गुरु जी के दर्शन कर सकते हैं। और अब हम अच्छे से हाथ पैर धोकर अभी गुरुद्वारा के अंदर आए हैं। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल कीर्तन चल रहा है, और अगर आपको कीर्तन सुनना है तो आप यहाँ पर बैठ के आराम से कीर्तन का भी आनंद ले सकते हैं। और गाइज अभी हम लोग अखंड ज्योत के दर्शन करने जा रहे हैं। और अखंड ज्योत मतलब ऐसी ज्योत जो निरंतर जलते रहती है। और दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पे प्रसाद भी मिलेगा। यहाँ पे सेवा होता है और 24 घंटे मतलब और 365 डेज ये सेवा चलते रहती है। इवन जब कोरोना टाइम आया था तब भी ये सेवा चल रही थी। जो ज़रूरतमंद है वो टिफ़िन लेके यहाँ पे आते हैं और फिर उनको सेवा दी जाती है यहाँ पे। और गाइस अब जा रहे हैं हम लोग लंगर हॉल देखने, जहाँ पे लंगर सेवा चलती है और लंगर सेवा कंटिन्यू चलते रहती है सातों दिन। और अभी हम लोग जाते हैं लंगर हॉल देखने। हम अभी एंटर कर चुके हैं और लंगर हॉल में, और यहाँ पे सबको यहाँ पे सेवा मिलती है, सबको यहाँ पे प्रसाद मिलता है। देख सकते हैं आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे और प्रेम से यहाँ पे खा रहे हैं।
अभी हम लोग आ रहे हैं यहाँ के वॉशिंग एरिया पे। यहाँ अगर आप चाहें तो सेवा भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे नॉर्मली बर्तन एक या दो बार धुलते हैं, पर यहाँ पे बर्तन जो हैं वो चार बार धुलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी सफाई से धुलते हैं। तो गाइज यहाँ पे बख्शीश सिंह भामरा जी हैं और रायपुर से आए हैं गुरुद्वारे के खास दर्शन करने। अंकल मैं आपसे गुरुद्वारा के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे गुरु आप मेरे को गुरुद्वारा के बारे में थोड़ा नॉलेज दीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये गुरुद्वारा साहब यहाँ सन 1975 से स्थापित है और ये बाबा दीप सिंह जी शहीद गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो संगत आती है उनके लिए सारा प्रबंध है, 24 घंटे लंगर की व्यवस्था है और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं, महाराष्ट्र से लोग आते हैं, छत्तीसगढ़ पूरा और राजिम धमतरी आसपास जितने भी छोटे छोटे जिले हैं सब जगह से दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे अंदर सचखंड साहिब है गुरु की, वहाँ पे फोटो रखी गई है, उसकी भी पूजा की जाती है और आप हमेशा आके दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये जल है, ये प्रसाद के रूप में लिया जाता है, तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। गाइस यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स भी थे जो गुरुद्वारा में अभी सेवा कर रहे हैं। अपना नाम बताओ। और आपका करण भी अच्छा, तो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग आए हैं बाबा गुरुदीप सिंह गुरुद्वारा में। यहाँ पे 24 घंटे सातों दिन लंगर की व्यवस्था चलती है और इवन जब कोरोना टाइम था तब भी जो लंगर की व्यवस्था वो चल ही रही थी। जो दीप है वो मतलब 12 महीने जलते रहता है। यहाँ पे लोग सेवा देने आते हैं। आज हमने एक सेवादार जो कि रायपुर से आए थे उनसे हमने बात भी की, आपको थोड़ा और जानकारी भी दी। तो आप भी यहाँ पे आके सेवा दे सकते हैं। शिवनाथ नदी के से जस्ट लगा हुआ है तो आप यहाँ पे जरूर आना। यहाँ पे आप लंगर का प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं, मत्था भी टेक सकते हैं। तो आप यहाँ पे जरूर आना गुरु के दर्शन करने और आप यहाँ पे सेवा भी दे सकते हैं। तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, उसके बाद जो है बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।